मैच का इंतजार पूरे भारत और पाकिस्तान के दर्शक कर रहे थे। उस मैच में भारत ने अपने पड़ोसी देश को 124 रन से इस मैच में हराकर अपने चैंपियंस ट्रॉफी का शानदार आगाज किया। इस मैच में जीतने के साथ भारत की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के अपने खिताब को बचाने के अभियान की काफी शानदार शुरुआत की। इस मैच में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। भारत के 320 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। बार बार हो रही बारिश की वजह से मैच के ओवरों को कम कर 41 कर दिया गया था। ऐसे में पाकिस्तान को जीत के लिए 289 का लक्ष्य मिला था। पाकिस्तान 26वें ओवर में अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। भारत की टीम की तरफ से इस मैच में तेज गेंदबाजों में उमेश यादव ने सबसे अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने अपने 7.4 ओवर में 20 रन देकर 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट किया। इसके अलावा हार्दिक पांड्या और जडेजा ने इस मैच में 2-2 विकेट हासिल किए। पाकिस्तान टीम की इस मैच में शर्मनाक हार के बाद टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि हमने भारत की पारी के 40 ओवर तक इस मैच में अपनी पकड़ बना कर रखी हुई थी, लेकिन अंतिम 8 ओवर में हमने इस मैच को अपने से दूर कर दिया और इसका पूरा श्रेय भारतीय बल्लेबाजों को जाना चाहिए। सरफराज ने आगे कहा कि हमने इस मैच के अंतिम 8 ओवरों में 124 रन दे दिए था, जिसके बाद भारत की टीम इस मैच में हमसे काफी आगे हो गई थी। मुझे लगता है कि हमें अपनी गेंदबाजी में सुधार करने की जरूरत है, खास करके अंतिम के ओवरों में।